हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कुकिंग एंड गार्डनिंग विद अंजू चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर पिज्जा। पिज्जा का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये सबको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको ये बहुत ही अच्छा लगता है। सभी इसके दीवाने होते हैं। आज हम घर पर बनाएंगे पिज्जा, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ये मैंने पिज्जा बेस लिए हैं, ये मैंने मार्केट के पिज्जा बेस का यूज किया है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको घर पर पिज्जा बेस बनाकर दिखाऊंगी और उससे फिर पिज्जा बनाएंगे। ये मैंने टमाटर लिए हैं, इनके मैंने सीड निकाल कर इनको इस तरीके से कट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छे से इसके बीज निकाल कर धोकर और इसको डाइस में काट लिया है। प्याज को भी मैंने छोटा छोटा काटा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी शेप में काट सकते हैं। ये मैंने घर पे पिज्जा सॉस बनाई है उसका यूज किया है। ये ओरिगेनो, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को थोड़ा सा तवे पर गर्म कर लीजिए और उसको क्रश करके भी आप चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। ये काली मिर्च, ये पिसी हुई काली मिर्च है। थोड़ा सा नमक, ये पिज्जा सीजनिंग है, ये मिक्स हर्ब्स में है। और ये मेरे पास मोजरीला चीज है। ये मेरे पास इस तरीके का मोजरीला चीज था, ये ऑलरेडी कसा हुआ आता तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप मार्केट से ऐसा पिज्जा चीज भी ले सकते हैं और इसको कद्दूकस कर यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा घी। तो चलिए अब हम पिज्जा को बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं, जिसमें हम अपना पिज्जा बनाएंगे। इसमें अभी हम ये नमक डाल देंगे, नमक को थोड़ा सा फैला देंगे और हम इसमें ये स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी को भी इस तरीके से सेट कर उस पर भी आप पिज्जा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्टैंड है तो मैं स्टैंड का यूज कर रही हूँ। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना पिज्जा रेडी कर लेते हैं। मैंने एक बेस ले लिया है, इस पर हम थोड़ा सा जो हमने ये पिज्जा सॉस बनाई थी वो लगा देंगे। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी लगा सकते हैं। अब हम इस पर अपनी सब्जियां डाल देंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा पहले चीज डालेंगे, इससे हमारा पिज्जा बहुत क्रीमी क्रीमी और चीजी बन जाए। मैं तो इस पर बहुत सारा चीज डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज पसंद है और मेरे बच्चे भी बहुत सारा चीज पसंद करते हैं, तो मैं काफी सारा चीज इसमें यूज करती हूँ। अब हम इस पर थोड़ी सी सब्जियां डेकोरेट कर देंगे। मैं ये शिमला मिर्च कर रही हूँ। अगर आपके पास लाल और पीली शिमला मिर्च भी हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रोकली, आप सब्जियां अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब इस पे थोड़े से प्याज लगा देंगे। आप सब्जियां भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने प्याज सारे लगा दिए, अब इस पर हम थोड़े से टमाटर भी लगा देंगे। अब देखिए हमारा कितना कलरफुल पिज्जा बनकर रेडी हो गया है। अब ये हम अपने पिज्जे को सेक लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि हमारी सॉस में भी नमक है और जो हमने चीज यूज किया उसमें भी नमक है। थोड़ी सी काली मिर्च, इनसे इसका टेस्ट और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और जो ये मिक्स हर्ब्स थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम अपनी कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। मैं ये पिज्जा इस तरीके की प्लेट में बनाऊंगी क्योंकि सभी के घरों में ये स्टील की प्लेट अवेलेबल होती है।
हमने प्लेट ली थी, इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे हमारा पिज्जा इस पर चिपकेगा नहीं। आप चाहो तो इस पे ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, मैं अपने हैंड की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहो तो इस पे ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो पिज्जा हमने बनाकर रखा था वो इसमें शिफ्ट कर देंगे, और नमक भी गर्म हो चुका है। अब देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, ये बहुत गर्म है, आराम से कीजिएगा। अब जो हमने ये पिज्जा रेडी करके रखा था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज और डाल देंगे जिससे हमारा पिज्जा और बहुत अच्छा बन जाएगा। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे और हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। गैस को हमें बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो हमारा पिज्जा जल जाएगा। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। पिज्जा सिककर रेडी हो रहा है, हम अपना दूसरा पिज्जा बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब हम इसी तरीके से पिज्जा सॉस, अब हमारे पिज्जा को इसमें कढ़ाई में रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैंने इसको एक बार 5 मिनट पे चेक कर लिया था कि कहीं हमारा पिज्जा जल तो नहीं रहा है। अब देखिए हम ये ढक्कन उठाते हैं, देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। इसके साइड्स में देखिए पिज्जा बेस का कलर देखिए, और जो सारा चीज था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और हम पिज्जा को बाहर निकाल देंगे। मेरे पास एक ग्लव्स है तो मैं ग्लव्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप मोटे कपड़े का यूज कीजिएगा। आप देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा लग रहा है और एकदम कलरफुल मार्केट के जैसा। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि हमारा कितना अच्छा पिज्जा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए एकदम से क्रिस्पी और टेस्टी पिज्जा हमारा बनकर रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छा सिककर रेडी हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।